जब पापा मम्मी को पहुंचाने के लिए स्कूल गए थे उसी समय कोई लेडीज और जेंट्स आए और हमको ले करके चले, मतलब हमको बोले पापा बुला रहे हैं चकाए चलो, तो हम वो लोग के साथ में चले आए। इसके चकाए में कुछ देर हम लोग मोड़ पे खड़े रहे। इसके बाद खड़े रहने के बाद हम बोलने लगे कि पापा क्यों नहीं आ रहे अभी तक, तो फिर वो लोग बोले आ जाएंगे कुछ देर में, वेट करो तब तक मैं कुछ खाते हैं हम लोग, तो हम बोले ठीक है। इसके बाद वो लोग झालमुड़ी लेकर के आई, इसके बाद हम लोग वहीं पे खाने लग गए। इसके बाद कुछ देर बाद मेरा माथा घूमने लग गया और हमको अच्छा नहीं लगने लगा, तो हम वो लोग हमको ऑटो में बैठाई। इसके ऑटो में बैठने के बाद इसके बाद हमको आगे कुछ नहीं पता चला। इसके बाद आज जब देवघर में आए उसमें हमको पता नहीं था कि ये देवघर है, तो कुछ एक ऑटो आगे थी एक ऑटो पीछे थी, तो भीड़ भड़ा के होने के कारण ऑटो रुक गई और वहीं से हम उतर गए, तो लेडीज़ को पकड़ने का टाइम नहीं मिला। हम उसी तरह से जल्दी जल्दी दौड़ के भागने लगे और जिधर में ज़्यादा भीड़ लग रहा था, हमको ज़्यादा दिख रहा था, उधर ही हम आ रहे थे ताकि वो लोग हमको पकड़ ना पाए दोबारा। इसके बाद वो लोग इसके बाद हम किधर किधर जाने लग गए हमको कुछ पता नहीं चला। हम जिधर हमको भीड़ दिख रहा था उधर ही आते जा रहे थे। फिर हम दो तीन दुकान में हेल्प बोले कि हमको चाहिए पापा से बात करना, हमको बात करने के लिए फ़ोन दीजिए, लेकिन वो लोग मना कर दिया हमको देने से। फिर एक कुछ ऐसे ही कुछ था, कोई मेडिकल दुकान था, तो वहाँ पे हम आए और बोलने लगे कि हमको बात कराई पापा से, तो वो लोग हमको बोले पूरी लिखित में हमको तुम दो हमको क्या क्या तुम्हारा गांव कहाँ है, हमको पूछने लगे अपने पर पूरे अपने बारे में पूछने लगे। तो हम बोले सब कुछ हम कर दे देंगे लेकिन हमको एक बार बात कराए पापा से। तो फिर वो लोग सर हमको दिए तब हम मान लिए, तब वो हम लोग को हमको पापा से मिलवाए।